हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना लेक्चर नंबर 4 है विज्ञान का, ठीक है, साइंस का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। और ये टोटल जो क्वेश्चन है यार, वो NCERT बेस है और प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, ठीक है, जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है, MP JEE प्रहरी और अदर एग्जामों के लिए भी रहेगा, ठीक है। और कोशिश करिए यार कि इस 30 में से कम आपके 25 प्लस आए। अगर 25 प्लस क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपका साइंस बेटर है, अदरवाइज आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगाएं, या तो फिर आप इन क्वेश्चन के बेस पर लगाएं, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी जितनी भी डिटेल्ड होगी वो सारी चीजें भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, जिसका फायदा आपको बहुत अधिक मिलेगा। तो आइए यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं ना 3, उन्हें भी देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें या बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, क्योंकि टोटल हम 90 क्वेश्चन तो पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 30-30 क्वेश्चन हर लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यार। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि किसकी अनुपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है, और पशु कोशिका मतलब हम में, ठीक है, हम एक पशु के अंतर्गत ही आएंगे। तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में किस चीज का अंतर होता है, किसकी उपस्थिति का? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड ऑप्शन है कोशिका भित्ति, थर्ड ऑप्शन है कोशिका कला और फोर्थ ऑप्शन है केंद्रक, ठीक है। तो यहां देखोगे यार, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड, यहां पर थोड़ा सा अपवाद है इस क्वेश्चन में कि जो क्लोरोप्लास्ट है और कोशिका भित्ति है, दोनों की दोनों ये पाई जाती है पादप कोशिका में, ठीक है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, और कोशिका कला और केंद्रक ये दोनों है जो कि पादप में और पशु में दोनों पाई जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है या तो फिर ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेगी, और कोशिका कला और केंद्रक ये दोनों प्रकार की कोशिका में देखने को मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका कोई आंसर नहीं है, या तो इनमें से कोई ना कोई अगर हम ऑप्शन चेंज कर दे तो इसका आंसर बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है ना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92 कि पराज ज्वर, ठीक है, परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। अब देखो यार, सबसे पहले आपको तो परागज ज्वर पता होना, और जिन लोगों को परागज ज्वर पता होगा वही इसका आंसर लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। मतलब पेपर की लैंग्वेज ये होती है, सामान्य लैंग्वेज अलग होती है। तो परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो पहला ऑप्शन है कुपोषण, सेकेंड है एलर्जी, थर्ड है वृद्धावस्था और फोर्थ है कार्याधिक, ठीक है। तो यार देखो, मैं सबसे पहले पराग ज्वर बता दूं, फिर आप आंसर बता ही दोगे, ठीक है। तो पराग ज्वर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि धुएं वाली जगह में जाते हैं या धूल वाली जगह में जाते हैं तो हमें छींक आने लगती है, ठीक है, या फिर हमें खांसी आने लगती है, या फिर हल्की सर्दी हो जाती है, तो उसी को ही कहा जाता है पराग ज्वर, ठीक है। इसका मतलब हम उसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? तो एलर्जी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कि जब हम कहीं धूल वाली या फिर धुएं वाली जगह में जाते हैं तो हमें हल्की सर्दी हो जाती है, और उस हल्की सर्दी को ही कहा जाता है परागज ज्वर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो एक एलर्जी का एक लक्षण होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 वा कि निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, ठीक है, पालतू पशुओं के चारे, आश्रय और स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशु के चारे, आश्रय और स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डेयरी विज्ञान, सेकेंड है पशु चिकित्सा विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है कुक्कुट पालन और फोर्थ ऑप्शन है पशुपालन। तो यार पशुपालन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, कहने का मतलब पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन सभी चीजें आती है किसके अंतर्गत? पशुपालन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा कि एडवर्ड जेनर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? तो यार आप जानते ही होंगे इनको, ठीक है, एडवर्ड जेनर को। तो पहला ऑप्शन है विसूचिका, जिसको बोलते हैं क्या, देखो हैजा का नाम होता है विसूचिका, ये आप याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन है आंत्र ज्वर, थर्ड ऑप्शन है चेचक और फोर्थ है लकवा, ठीक है। तो जो एडवर्ड जेनर है, इनने एक टीके की खोज की थी, वो भी किसके? तो चेचक के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनने जो चेचक के टीके की खोज की थी तो वो कब की थी? तो सन भी याद रखिएगा 1775 में, कौन ने? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर किससे? चेचक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार,
क्वेश्चन नंबर 95 वह कि संयुक्त पर्ण वाला पौधा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें फोकस करना है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है। तो पहला ऑप्शन है पपीता, सेकंड है नारियल, थर्ड है पीपल और फोर्थ है जवा कुसुम, ठीक है, जवा कुसुम। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, जो नारियल है, ठीक है। तो नारियल को ही कहा जाता है संयुक्त पर्ण वाला पौधा, ठीक है। तो संयुक्त पर्ण वाला हम ये बोल सकते हैं कि नारियल संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है। यह एक बहुवर्षीय तथा एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है। जो नारियल है वो कौन सा पौधा है, तो एक बीजपत्री पौधा है और ये लंबा तना और शाखा रहित तो होता है, इतना आप जानते ही होंगे। अगला देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 96वां कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है, ठीक है। तो वैज्ञानिक के बात हो रही, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण, ठीक है, रुधिर परिसंचरण की बात हो रही है, ये रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एंटेनिवेन लीवेन हॉक, सेकंड ऑप्शन है विलियम हार्वे, थर्ड ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल और फोर्थ ऑप्शन है रोनाल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, विलियम हार्वे, ठीक है। तो विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी और जो दिल धड़कता है, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हृदय का सुकुड़ना और फैलना, ये भी व्याख्या किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 वा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो इस पे फोकस करना कि जो पाचक एंजाइम नहीं है, तो चार एंजाइम यहां दे रखे हैं, तो जैसे पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन और एमिलासिन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है, जबकि पेप्सिन, रेनिन और एमिलोप्सिन ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, तो पाचक एंजाइम हो जाएंगे। तो पेप्सिन, रेनिन और एमिलोप्सिन पाचक एंजाइम है, जबकि जो इंसुलिन है ये क्या हो जाएगा, तो एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि अग्नाशय से स्त्रावित होता है और शुगर मेंटेन करने में सहायक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98वां कि विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर बात हो रही विकास के सिद्धांत की, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है लुईस पाश्चर, सेकंड ऑप्शन है अरस्तु, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ग्रेगर मेंडल और फोर्थ ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर कि चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था किसका सिद्धांत, तो विकास का सिद्धांत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, तो क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो यार बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है, तो आपको पता है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है जिसका नाम क्या है, तो फीमर है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है, तो कान में होती है जिसका नाम क्या है, स्टेपिस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको पता होंगे, नाम याद रखना, जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं, तो फीमर, और कान में जो एक हड्डी होती है स्टेपिस वो सबसे छोटी होती है, फीमर सबसे बड़ी होती है। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। मतलब यहाँ कहो कसावा, सोयाबीन, गेहूं और मक्का दिया, इनमें सबसे अधिक मात्रा में किसमें प्रोटीन होता है। तो आई होप सभी ने राइट आंसर लगाया होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, जो सोयाबीन होता है इसमें होता है 40%, ठीक है, 40% क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वसा होता है इसमें होता है 20-23%, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि सोयाबीन में 20-23% क्या होता है, वसा होता है और 30% होता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको याद रखना कि सोयाबीन में 40% क्या हो जाएगा प्रोटीन, 20-23% क्या हो जाएगा वसा, और 30% हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट किसमें, सोयाबीन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, तो क्वेश्चन 101 हो जाएगा कि निमोनिया का नया रूप सार्स, ठीक है, निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ है, ठीक है। सार्स की अगर हम बात करें तो SARS, ठीक है, सार्स किस देश से शुरू हुआ है। तो यार अभी कोरोना का दौर चल रहा है, इसका मतलब आप इससे परिचित होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि सार्स भी कहाँ से आया था, तो चाइना से आया था, कौन सा, तो सार्स। और अगर मैं सार्स के फुल फॉर्म की बात करूँ तो सार्स का फुल फॉर्म हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म होगा। आया कहाँ से था, तो ये चीन से आया था, ठीक है। और कोरोना भी कहाँ से आया, तो चीन से आया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 102 नंबर का कि मानव के कशेरुकों में कुल संख्या कितनी होती है। तो जो कशेरुकों लिखा वैसे कशेरुकी में टोटल कितनी संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कितनी होती है, 33 होती है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे
सिर से लेकर कमर तक जो इस प्रकार के जोड़े जोड़े में जो हड्डी होती है इसी को बोलते हैं कशेरुकी। और टोटल कितने जोड़े होते हैं इसमें, टोटल कितनी संख्या होती है, तो 33 होती है, जिसको रीढ़ की हड्डी भी हम बोलते हैं या वर्टेब्रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103वां हो जाएगा कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी मात्रा कितनी होती है। तो यार ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर 65%। तो हमारे जो शरीर है उसमें कितना 65% होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और वहीं अगर हम कार्बन की बात करें तो हमारे शरीर में कार्बन होता है 18.5%, ठीक है। और वहीं पर हम बात करें तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो हमारे शरीर में होता है 9.5% होता है। हाइड्रोजन के बाद आता है नाइट्रोजन जो हमारे शरीर में होता है 3.2%, और नाइट्रोजन के बाद आता है कैल्शियम, और हमारे शरीर में कैल्शियम होता है 1.5%, और उसके बाद आता है क्या फास्फोरस, और फास्फोरस हमारे शरीर में कितना होता है तो 1% होता है, और फास्फोरस के बाद आ जाएगा पोटेशियम, और पोटेशियम हमारे शरीर में 0.4% होता है, और पोटेशियम के बाद आ जाता है सल्फर, और सल्फर हमारे शरीर में होता है 0.3%। तो आपको ये याद रखना है, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, इस लेक्चर में इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी एक अच्छे से होते रहेगा, सारी चीजें आपको रिकॉल होते रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104वां कि नवजात शिशु को बीसीजी का टीका, ठीक है, बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो यार सबसे पहले तो बीसीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, ठीक है, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। और इसका टीका कब लगाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है जन्म लेने के बाद तत्काल, और सेकंड ऑप्शन है 48 घंटे के भीतर, थर्ड ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 7 दिन के भीतर, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 6 महीने के भीतर, ठीक है। तो 104वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि बच्चा जन्म लेता है तो उसको तत्काल तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है, ठीक है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। क्यों लगाया जाता है, तो ये तपेदिक रोग या टीबी से बचने के लिए बच्चों को लगाया जाता है, ठीक है, तपेदिक। और इससे रिलेटेड हमने एक वैक्सीन भी पढ़ी थी कि टीबी की बीमारी के उपचार के लिए कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो टीबी के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज की जाती है, ये भी याद रखना। बीसीजी का फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, और ये इसका टीका कब लगाया जाता है, तो जन्म के तत्काल बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105वां, ठीक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है यार कि घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति, ठीक है, को क्या कहा जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है टट्टू, सेकंड है बछेड़ा, थर्ड ऑप्शन है खच्चर, और फोर्थ है जेबरा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर खच्चर, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि घोड़े और गधे, ठीक है, इन दोनों का संकरण जब करा दिया जाता है तो इससे जो जाति पैदा होती है प्रजाति, हम उसको क्या बोलते हैं, तो खच्चर कहते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106वां की ग्लाऊ कोमा, ठीक है, ग्लाउकोमा या ग्लूकोमा बोलते हैं जिसे, ठीक है, ग्लाउकोमा या ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है, मतलब ये किस अंग से रिलेटेड रोग है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा त्वचा, सेकंड हो जाएगा फेफड़े, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जिगर, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि जो ग्लूकोमा या ग्लाउकोमा जो रोग है वो नेत्र में होने वाला एक रोग है, ठीक है। और भी चीजें याद रखना कि मोतियाबिंद की अगर बात करें तो वो भी किसमें होता है, नेत्र में होता है। टेकोमा भी किसमें होता है, तो नेत्र में होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107वां हो जाएगा कि वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए, स्पेशली शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वाटर टैंक होता है उसमें शैवाल जो हो जाती है, ठीक है, मतलब काई भी बोलते हैं उसको, हरे कलर की, उसे नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन यूज किया जाता है। तो यार पहला ऑप्शन है यहाँ कॉपर सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जिंक सल्फेट, और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो 107वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का फुल क्या होता है सूत्र, तो CuSO4, CuSO4 को यूज किया जाता है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 108 नंबर का कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, ठीक है, गुर्दे या किडनी का रोग या वक जिसे बोलते हैं, इसका रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है कैडमियम, सेकेंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो कैडमियम है, कैडमियम की वजह से गुर्दे का रोग होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109वां हो जाएगा कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जो पानी की कमी के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110वां कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए, ठीक है, डीएनए की बात हो रही है, ठीक है,
डीएनए, डियाक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डियाक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डियाक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा व्यक्ति जिसने सबसे पहले डीएनए का पहला पात्र विश्लेषण किया था, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आर्थर कोनबर्ग, सेकेंड ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, थर्ड ऑप्शन है नीरेनबर्ग और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वॉटसन और क्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की आर्थर कोनबर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 की निम्नलिखित में से किस की सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, ठीक है, सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है कवक द्रव्य, थर्ड ऑप्शन है विषाणु या वायरस और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खमीर, ठीक है। तो 111 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कवक द्रव्य की सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं तो किसकी होती है, तो कवक द्रव्य की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की जमहाई आती है, ठीक है, जिसको आलसी लेना बोलते हैं, तो जमहाई आती है किसके कारण आती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, सेकंड ऑप्शन है फेफड़ों में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, थर्ड ऑप्शन है फेफड़े में O2 की अधिक सांद्रता के कारण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की, जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है या सांद्रता बढ़ जाती है तब क्या आती है, तो जम्हाई आती है, तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 के निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है, ठीक है, मतलब वह कौन सा प्राणी है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। तो स्नायु तंत्र होता है, कहने का मतलब कशेरुकी हड्डी होती है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, तो पहला ऑप्शन है केकड़ा, सेकंड ऑप्शन है स्टारफिश, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जॉक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर फिश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, स्टारफिश एक ऐसा जानवर है या एक ऐसा प्राणी है जिसमें स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं पाया जाता, किसमें, तो स्टार फिश में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 नंबर का हो जाएगा कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है, तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम आता है, तो विटामिन के, ठीक है, तो रक्त स्कंदन में सहायक कौन है, तो विटामिन के है, और विटामिन के जब हमारे शरीर में पाया जाता है तो ये स्त्रावित करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है, और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण अगर जितना होना चाहिए अगर उतना हो रहा है तो हमें कभी भी रक्त स्कंदन की प्रॉब्लम नहीं होती, अगर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है, ठीक है, मूत्र का अपसामान्य घटक है निम्नलिखित में से कौन सा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रिएटिनिन यूरिया, सेकंड ऑप्शन है यूरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है कीटोन और फोर्थ ऑप्शन है निकाय, ठीक है। तो 115 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट, तो यार ये जो निकाय दिया है ना ये एक्चुअल में है कीटोन निकाय, ठीक है, कीटोन निकाय, तो कीटोन निकाय इसका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का सामान्य घटक है, तो कीटोन निकाय ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी कोशिका है जो कि प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबायोटिक पैदा करती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इओसिनोफिल, ठीक है, पहला ऑप्शन है इओसिनोफिल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एक केंद्रक काणु, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा चार रंजी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लसिका अणु, ठीक है। तो प्रतिरक्षी पैदा कौन करती है, तो लसिका अणु ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो लसिका अणु हम ये बोल सकते हैं कि जो लसिका अणु है ये एक रंगहीन द्रव्य होता है, ठीक है, एक रंगहीन द्रव्य होता है क्या, लसिका अणु, और हम ये बोल सकते हैं कि रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होती, मतलब जो लसिका अणु होता है ये एक रंगहीन द्रव्य होता है और इसमें क्या होता है कि लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होती, और लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स, ठीक है, तो लसिका में मौजूद क्या होता है, तो लिम्फोसाइट मौजूद होता है, तो लिम्फोसाइट जैसे अब लिम्फोसाइट मौजूद होता है तो लिम्फोसाइट रोगाणु जैसे जीवाणुओं का भक्षण कर लेते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, कौन, तो लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट मौजूद होता है किसमें, तो लसिका अणु में, और लसिका अणु में RBC और प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर का हो जाएगा कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो यार विटामिन के है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ये फिर से आ गया था, कोई नहीं। बाकी 118 नंबर का
क्वेश्चन हो जाएगा कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिका क्या होती है। ठीक है, अगर हम अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमारे आरबीसी में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन है आकार छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो यार जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं या कहीं भी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो आरबीसी में क्या परिवर्तन आता है, तो जो आकार है आरबीसी का, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इनका आकार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो आरबीसी है इन्हें ही लाल रुधिर कणिकाओं को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। यह केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है, मतलब जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि बैकबोन पाई जाती है उसी में पाई जाती है। और हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो रेड कलर होता है किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है जिसके कारण रेड कलर होता है, किसका? आरबीसी का। और इसे एक और नाम से जाने जाते हैं, जाना जाता है किसके? इरिथ्रोसाइट के अंतर्गत, और इरिथ्रोसाइट्स। और जब ऊंचाई पे जाते हैं तो इनका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 हो जाएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस करा था, इस लेक्चर में भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि गर्भाशय में निषेचित और पहला ऑप्शन हो जाएगा परखनली में विकसित शिशु, सेकंड ऑप्शन है गर्भाशय में निषेचित और परखनली में विकसित भ्रूण, थर्ड ऑप्शन है गर्भाशय में निषेचित और विकसित भ्रूण, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कि हम बाहर निषेचन होता है और गर्भाशय में प्रतिरोपण या प्रवेश करा दिया जाता है, उसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 हो जाएगा कि किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जो कि हमारे शरीर में इंजेक्ट करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, और प्रतिरक्षी मतलब एंटीबायोटिक हमारे खुद कौन बनाता है? शरीर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका राइट आंसर, प्रतिजन नामक। हम ये बोल सकते हैं कि एक पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करा देता है, तो जिस प्रकार के भी रोग, अगर हम जिस प्रकार के रोग वाहक जीवाणु हमारे शरीर के संपर्क में आते, तो वो उसी प्रकार के कार्मिक का निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है जिससे वो लड़ते रहते, उसे ही कहा जाता है प्रतिजन या एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन या प्रतिजन जो हमारे शरीर में बन जाता है जिसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, और ये रोगों से लड़ने में सहायता करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।